आप सब लोग, आपका स्वागत है श्री जेट्रे चैनल में। तो दोस्तों, हम आज ऐसे स्टॉक के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिसका नाम है बिरला सॉफ्ट। बिशॉफ्ट जो बहुत ही बढ़िया अभी तेजी में हमको देखने को मिल रहा है, उसका जो शेयर है वो रियल भाग रहा है। तो उसका रियल रीजन क्या है, तो उसका हम पूरा एनालिसिस करेंगे, इन्फॉर्मेशन हम आपको शेयर करेंगे दोस्तों। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए कि वो कौन से जो इन फ्यूचर जो जो सेक्टर चलने वाला है वही सेक्टर में वो अपना अभी फोकस कर रही है। तो ऐसा क्या चीज़ वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो हम उसका पूरा नॉलेज हमको आपको शेयर करेंगे दोस्तों। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। और आपने पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ अपने चैनल श्रीजी टेक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए दोस्तों। तो चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट लिमिटेड, अब आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है लास्ट वंथ मंथ में उसने जो परफॉर्मेंस दिया है हमको, यहाँ पे आप देखने में जो उसका लो था 457 और हाई हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है 582। यानी दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्टॉक रनिंग में अभी चल रहा है। रिटर्न के हिसाब से देखा तो मोर देन 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों। मैंने ये जो बेस्ट स्टॉक फॉर बाय में जो मेरा डिस्क्रिप्शन में पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, मैंने उसमें सजेस्ट भी किया था बिरला सॉफ्ट में, बार बार सजेस्ट कर रहा हूँ। बिरला सॉफ्ट यहाँ से जो लेवल दिया वहाँ से मूवमेंट हमको देखने को मिल रही है दोस्तों। तो एक बार जरूर देखिए, आपको मालूम पड़े दोस्तों। हम उसकी अब मैक्सिमम की बात करेंगे तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जो उसने रिटर्न दिया है, लेकिन बहुत पुराना स्टॉक आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ से स्टार्ट किया था लगातार उसको अपर अपर बाय ऊपर ही जा रहा है, जो लॉकडाउन में इफेक्ट आई थी फिर डाउन हुआ था, फिर वहाँ से ऊपर हमको देखने को जो नया हाई पे हाई दे रहा है हमको। तो जो लो था उसने स्टार्ट किया था 0.40 पैसे में, जो तब जब स्टार्ट किया था पेनी स्टॉक में गिना जाता होगा दोस्तों। अभी हाई आप देख सकते हो कि कहाँ पहुंच चुका है, 582 का उसने हाई बना दिया है। और रिटर्न देखोगे तो 3913% का रिटर्न दे दिया दोस्तों। बहुत ही बढ़िया हमको यहाँ पे रिटर्न के हिसाब से देख सकते हो। और जो ग्रोथ कर रही है, जो जो फोकस कर रही है, तो वहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया उसको आपको देखने को मिल सकता है। मैं उसका पूरा आपको नॉलेज दूंगा। वो जो आईटी कंसल्टिंग में वो काम करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो स्मॉल कैप है। उसकी मार्केट कैप है 16,073 करोड़ की मार्केट कैप है। उसका रैंक आता है ओनली 268। यानी दोस्तों ये स्मॉल कैप है, लगी अभी थोड़े टाइम में ही ये मिड कैप में आ जाएगा दोस्तों। जो मूवमेंट हमको देखने को मिल रही है स्मॉल कैप से मिड कैप में भी आ सकता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया स्टॉक हमको यहाँ पे देखने को, पी रेशियो आप देखोगे तो 50.10 का पी रेशियो है दोस्तों। तो बहुत ही बड़ा यहाँ पे हमको उसको मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो हम उसका फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी भी अभी होल्डिंग के बारे में भी बात करेंगे। अब बात करते हैं फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली में क्वार्टरली में देखेंगे तो हमको पूरा पता चल जाए दोस्तों। क्वार्टरली में टोटल रेवेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पे, टोटल रेवेन्यू जो दिसंबर 2020 में थी 896, तो वहाँ से सितंबर में देखो, सितंबर 2020 हम रिसेंटली जनवरी में उसका रिजल्ट आएगा तब हमको और ज़्यादा मालूम पड़ेगा कि भाई फंडामेंटली कितना स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियली हमको यहाँ पे रेवेन्यू तो इंक्रीज फ्रेंड्स हो ही रही है, आप देख सकते हो रेवेन्यू भी इंक्रीज हुई है ऑलमोस्ट 10% से भी ज़्यादा हमको यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिली है। और नेट इनकम की बात करें जो दिसंबर 2020 में उसकी रेवेन्यू थी 96.38, लेकिन अब सितंबर 2021 में देखोगे तो 103 यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। अभी रिजल्ट स्टार्ट होने वाला है जनवरी में, तो दोस्तों ये रिजल्ट की पहले की आप तेजी यहाँ पे देख सकते हो, लगातार अप ट्रेंड में ही आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। 3.21 का भी उसने जो परसेंटेज गेन दिया था हमको लास्ट फ्राइडे, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल भी प्लस पॉइंट हमको देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो अब बात करते हैं उसकी पीयर्स कंपनी कौन सी है, तो हमको और मालूम पड़ेगा। तो पीयर्स कंपनी में बात करें तो पीयर्स कंपनी में आता है TCS और इन्फोसिस विप्रो, तो बहुत ही दिग्गज कंपनी आईटी सेक्टर में। तो उसका पीयर्स कंपनी में भी बिरला सॉफ्ट है दोस्तों। बिरला सॉफ्ट अच्छा फाइनेंशियल तो हमको देखने को मिल रहा है। अभी जनवरी में उसना उसका रिजल्ट आएगा तो और जो फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होगा, नेट इनकम इंक्रीज होगी, रेवेन्यू इंक्रीज होगा, तो और बड़ी हमको तेजी देखने को मिल सकता है। बहुत ही बढ़िया टारगेट है, टेक्निकली मैं आपको बता दूंगा, तो आप लास्ट तक जरूर देखना ना भूले, स्किप मत करिए दोस्तों। अब बात करते हैं होल्डिंग की, तो होल्डिंग में आपको यहाँ दिख रहा है दोस्तों प्रमोटर के पास 40% का होल्डिंग है। अगर होल्डिंग आपको जानना हो कि भाई प्रमोटर अपना स्टेक बेच के होल्डिंग डिक्रीज या इंक्रीज करे तो हमको क्या देखना है, उसका सेपरेटली मैंने वीडियो बना दिया, तो लिंक आप जरूर देखें तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे बात करते हैं म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड का अपना आपको देखने को मिल रहा है, म्यूचुअल फंड लगातार अपना स्टेक इंक्रीज कर रही है
बिरला शॉप में दोस्तों, अभी उसने रिसेंटली कर दिया 18.74% का उसने स्टेक यहाँ पे कर लिया है, तो बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे तो प्लस पॉइंट साइन देखने को मिले। फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 17.38% का भी हमको यहाँ पे होल्डिंग देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट में भी है और फंडामेंटली होल्डिंग में भी हमको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हो फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास जो होल्डिंग ज़्यादा था लेकिन थोड़ा उसने डिक्रीज किया है, और अभी भी उसके पास 17.38% का होल्डिंग देखने को मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया प्लस साइन देखने को मिल रही है हमको। जो फाइनेंशियल है उसमें भी स्ट्रॉन्ग है, फिर होल्डिंग में भी हमको स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है दोस्तों। वैसा तो क्या वो बना रही है कंपनी के जो इन फ्यूचर, जो ये गवर्नमेंट का आपको पता होगा कि इन फ्यूचर नेक्स्ट 5 या 10 ईयर्स में जो इंफॉर्मेशन आईटी की जो डिमांड जो आने वाली है, और ऑटो सेक्टर में जो सेमीकंडक्टर है उसमें जो क्या वो कर रही है, तो उनका पूरा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मैं आपको बता दूँ। आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है बिरला शॉप सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी में वर्क प्रोडक्ट इनोवेशन की प्लानिंग कर रही है दोस्तों अभी, और उसकी हम पूरी ना एनालिसिस करेंगे तो आपको देखने को मिल रहा है कि जो गवर्नमेंट का मेन फोकस, आपको पता होगा कि ऑटो सेक्टर में सेमीकंडक्टर चिप्स की शॉर्ट पड़ी थी, तो वहाँ ही उसका भी प्लानिंग चल रहा है सेमीकंडक्टर में। तो आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि सेमीकंडक्टर में जो उसका प्लानिंग चल रहा है, जो कार्स फिर ऑटो सेक्टर में टेक्नोलॉजी जो उसके बिना अभी नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ पे बता दूँ सेमीकंडक्टर चीप जो चिप्स है यहाँ पे वो मेन फोकस कर, सेमीकंडक्टर अंश हीरोज जो टेक्नोलॉजी का मेन हीरो आप समझ लो ना, तो सेमीकंडक्टर है वो उसमें ही प्लानिंग करे, जो नेक्स्ट जनरेशन स्मार्टफोन में यूज़ होता है, कार्स में, मेडिकल इक्विपमेंट, जो हर तरह जो चिप्स का सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज़ होता है, तो उसमें वो फोकस करिए। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए या इन फ्यूचर जिसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा ही होने वाली है तो उसमें ही वो अपना मार्केट इंक्रीज कर रही है, तो दोस्तों हमको यहाँ पे स्टॉक को बहुत ही बड़ा प्लस साइन देखने को मिले बिरला शॉप में। अब टेक्निकली बात करने जाए तो टेक्निकल में आपको यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा, मैं हर बार सजेस्ट करता हूँ, ये मैंने सजेस्ट किया था यहाँ पे बिरला शॉप का टारगेट बोला था 559, अभी ऑलमोस्ट अचीव हो गए। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट बाकी है 620, हो तो आपको नेक्स्ट 1 वीक में ही देखने को मिल जाएगा दोस्तों। अभी जो लॉन्ग टर्म की नज़र से हम देखेगा तो 2000 एंडिंग में, अब लॉन्ग टर्म का हम बात करें तो 2022 में हमको ये स्टॉक का टारगेट हम मोर देन 1000 के एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग है भाई, रिजल्ट आने के बाद जो तेजी हमको देखने को मिलेगी तो बहुत ही बढ़िया हमको यहाँ पे मार्केट देखने को मिल रहा है, जो इसका प्लान है फ्यूचर प्लान वो भी बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, और लॉन्ग टर्म की नज़र से देखो तो आपको ये नेक्स्ट एक्सपेक्ट 2022 में हम 1000 का ये टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उसका अगर शानदार परफॉर्मेंस रहा लगातार तो हमको उससे भी ज़्यादा अगर टारगेट देखने को मिल सके दोस्तों। बहुत ही बढ़िया स्टॉक है, अगर किसी ने बाई नहीं किया तो प्लीज़ अपना होल्ड का यहाँ पे बाई कर सकते हो, और नीचे थोड़ी गिरावट में मिले तो मैंने यहाँ पे 495 से, और मेरे जो दूसरे भी क्लाइंट है उसमें मैंने उसको आई थिंक 350 में भी उसको दिया था, तो अभी आप देख सकते हो ऑलमोस्ट डबल भी होने वाला है शॉर्ट टाइम में, तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट हमको यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर ये मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने चैनल श्री जीटर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, और आप देख सकते हो यहाँ पे बेस्ट पेनी स्टॉक का लिस्ट पूरा दिया हुआ है, रतन इंडिया एंटरप्राइज, कैलकॉन टेक, मल्टीबैगर जो श्रेणी के उसका भी, रिलायंस आरकॉम, जीटीएल इंफ्रा, हर तरह का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गई होगी दोस्तों, आप जरूर देखिए प्ले लिस्ट, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ऊर्जा ग्लोबल, अदानी ग्रीन, सद्भाव इंफ्रा, संख्या, विप्रो का दोस्तों हर तरह का पेनी स्टॉक आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और लाइव ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी की भी पूरा वीडियो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। आपको वीडियो पसंद है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को भी सजेस्ट कीजिए, और आपको कोई भी स्टॉक की इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बता सकते हो, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो आपको प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।